बीजेपी ने कमलनाथ के गढ़ में लगाई सेंध। पांडुर्णा महिला कांग्रेस अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हो गई हैं। रंजना बाल पांडे ने थामा कमल का हाथ। पूर्व सांसद प्रतिनिधि दीपक मानिकर ने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने इन्हें सदस्यता दिलाई है और एक बार फिर से एक बड़ा झटका। और आप ये देखिए कि लगातार जो अन्य पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, वो भी बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। और हर दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा अन्य पार्टी के नेताओं को सदस्यता दिलाते हुए नजर आते हैं। और ऐसी ही कुछ तस्वीरें आज एक बार फिर से सामने आई हैं जहां पर कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगाते हुए नजर आए पांडुर्णा महिला कांग्रेस अध्यक्ष बीजेपी में शामिल। रंजना बाल पांडे ने कमल का हाथ थाम लिया तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व सांसद प्रतिनिधि ने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इन्हें सदस्यता दिलाई है। वहीं ग्वालियर में कांग्रेस प्रभारी का बड़ा बयान आया। कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान, बहुत जल्द कांग्रेस की आएगी पहली सूची जहां प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया 2 महीने से जारी है। लोकतांत्रिक तरीके से चयन करते हैं नाम और नाम पर गांव ब्लॉक लेवल तक की चर्चा हुई। तो बहुत ही जल्द कांग्रेस की लिस्ट जारी हो जाएगी, ऐसा बयान सामने आया है। कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह का यह बड़ा बयान है और बहुत ही जल्द कांग्रेस ये सूची जारी कर देगी। और साथ ही साथ ये भी कहना है कि प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया 2 महीने से जारी है, लोकतांत्रिक तरीके से चयन करते हैं नाम और नाम पर गांव ब्लॉक लेवल तक की चर्चा हुई है। प्रक्रिया है कैंडिडेट्स को चयन करने की, जो चयन करने की जो प्रक्रिया है वो लगभग 2 महीने से चल रही है। हमारे यहाँ के माननीय अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के सचिव वो गांव-गांव ढाणी जाकर ब्लॉकों से हम नाम ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं से नाम ले रहे हैं, आम जनता से हम नाम लेके आते हैं और एक लंबी प्रक्रिया चलकर वो नाम तय होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी, ये 2 लोग बांटते हैं पूरे देश के। और अब बात करेंगे हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले का। 8वां आरोपी प्रदीप गोयल उर्फ ताऊ इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया। ब्लास्ट में घायल होने के बाद वो इंदौर में इलाज करा रहा था, उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया है। आरोपी प्रदीप फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल की बुआ का बेटा है। तो हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले का 8वां आरोपी प्रदीप गोयल उर्फ ताऊ इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्लास्ट में घायल होने के बाद वह इंदौर में इलाज करा रहा था और उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। आरोपी प्रदीप फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल की बुआ का बेटा है जो कि इस हादसे में घायल हो गया था और अभी तक इलाजरत था। अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेजा गया। सांसदों के टिकट कटने पर अरुण साफ का बड़ा बयान। पार्टी हर कार्यकर्ता के बारे में विचार करती है। अरुण साहब का ये बड़ा बयान जहां कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। पार्टी हर एक कार्यकर्ता के बारे में विचार करती है और हर कार्यकर्ता को समय समय पर अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती है। अलग अलग जिम्मेदारियों के हिसाब से इस बार ये 11 लोगों को पार्टी ने मौका दिया है। वही उम्मीदवारों पर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान। पार्टी ने एक संतुलित टीम उतारी है। अरुण साव का यह बयान आया। अनुभवी और दिग्गज नेताओं का टिकट दिया जाएगा, नए लोगों को भी मौका मिलेगा। 11 लोकसभा सीट बीजेपी जीतेगी। अरुण साव का ये बड़ा बयान जहां उम्मीदवारों पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने बयान दिया। पार्टी ने एक संतुलित टीम उतारी है। अनुभवी और दिग्गज नेताओं को टिकट दिया जाएगा, नए लोगों को भी मौका मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने सभी 11 लोकसभा सीटों में प्रत्याशी का ऐलान किया है। एक संतुलित टीम 11 लोकसभा सीटों पर पार्टी ने उतारी है। अनुभवी और दिग्गज और ऊर्जावान नए लोगों को भी मौका मिला है। महिलाओं को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो दिया गया है। तो एक संतुलित टीम 11 लोकसभा सीटों में पार्टी ने उतारी है और जिस प्रकार से रिस्पॉन्स दिन भर में प्रत्याशी घोषित होने के बाद आया है, ये निश्चित है कि हम 11 की 11 सीटें।
रायपुर में बीजेपी के सभी 11 प्रकोष्ठों का सम्मेलन हो रहा है। मध्य प्रदेश कार्यालय कुशभाव ठाकरे परिसर में सम्मेलन हो रहा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साहब और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने सम्मेलन का शुभारंभ किया। बीजेपी के 17 प्रकोष्ठों के 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल हुए। बीजेपी लोकसभा चुनाव में इन 17 प्रकोष्ठों के जरिए जनता को साधने की कोशिश करेगी। सम्मेलन में पीएम मोदी के पत्र का वितरण किया जाएगा। प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता मोदी के पत्र को जन जन तक पहुंचाएंगे। इस मौके पर बीजेपी के इतिहास को बताने वाली प्रदर्शनी भी लगाई गई। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश कार्यालय कुशाभाव ठाकरे परिसर में पार्टी की प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है। इस प्रदर्शनी में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, पार्टी के सिद्धांत और पार्टी के अब तक की विकास यात्रा, इन सब बातों को यहाँ दर्शाया गया है। और पिछले 10 सालों में सरकार की जो उपलब्धियां हैं, छत्तीसगढ़ सरकार की 2.5 महीने की उपलब्धियां, इन सब चीजों को प्रदर्शनी में दिखाई गई है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के पार्टी फंड में 2000 रुपए जमा कराए हैं। पार्टी फंड में रुपए जमा कराने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया में रसीद की फोटो भी शेयर करते हुए लिखा कि मुझे अभियान से जुड़ने पर खुशी महसूस हो रही है और इससे विकसित भारत के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने दावा किया कि प्रदेश की सभी 11 सीटों पर कमल खिलेगा। हमारे 11 कमल तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके तो अभी तक 11 नाम भी तय नहीं हैं, जबकि बीजेपी की पूरी चुनावी टीम मैदान में उतर चुकी है। कांग्रेस के पास आरोप लगाने के सिवा कोई काम नहीं बचा। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने 11 उम्मीदवारों को अपना आशीर्वाद दिया। अब जनता भी हमें आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। सर, 11 सीटें तैयार हो चुकी है, कैसा रहेगा? 11 कमल तैयार हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, राष्ट्रीय पदाधिकारी, वरिष्ठ नेताओं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी सहित हमारे जितने भी संसदीय बोर्ड के हमारे जितने भी वरिष्ठ नेतागण है, सबका धन्यवाद। और निश्चित समय में और बहुत अच्छा अवसर है ये, सभी हमारे जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच रहने वाले और जीत को लेकर सुनिश्चितता की कड़ी में एक और कदम आगे बढ़ गया है। निश्चित रूप से 11 के 11 लोकसभा सीटों के लिए और बड़े योग्य प्रत्याशियों का चयन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी प्रत्याशियों को मेरी ओर से बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरा छत्तीसगढ़ का संगठन एकजुट होकर एक समन्वय स्थापित करके और 11 की 11 सीट पर जीत का परचम लगाया। नए चेहरे को मौका मिला है, वो प्रक्रिया है, तो सवाल ही नहीं उठता। जो मापदंड पर जीत के मापदंड सबसे प्रथम है और नया और पुराना चेहरा नहीं होता, कमल पुल चुनाव लड़ता है और इसलिए 11 की 11 कमल जीत कर हम आदरणीय मोदी जी को और अध्यक्ष जी को भेंट कर। इस बार प्रदेश के सभी 11 सीटों में कमल का जो फूल है वो विजय होगा और देखना है कि अब चुनाव बिगुल फूट चुका है और चुनाव की जो तैयारी है भाजपा ने भी शुरू कर दी है। श्रीनिवास नायडू, News18 जगदलपुर। वहीं बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने तंज कसा। दीपक बैज ने कहा कि हम शुरू से कह रहे थे कि बीजेपी पुराने चेहरों को रिपीट नहीं करेगी, सिर्फ 2 चेहरों को मजबूती से रिपीट किया गया है। इनको पता था कि पुराने चेहरों को रिपीट करते तो चुनाव हार जाते। दीपक बैज ने दावा किया कि कद्दावर नेता ब्रजमोहन अग्रवाल और सरोज पांडे की को बलि का बकरा बनाया गया है। आप देखेंगे 9 में से सिर्फ 2 चेहरे को मजबूरी में उन लोगों ने रिपीट किया है और क्योंकि पता है पुराने चेहरे रिपीट करेंगे तो वो चुनाव नहीं जीत पा रही है। पूरी तरह एंटी इनकम्बेंसी है उन चेहरों पे भी और मोदी सरकार खिलाफ भी, इसलिए पुराने चेहरे से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बचते नजर आई। दूसरी तरह देखेंगे तो पूरी तरह से इस चेहरे पे गुटबाजी क्लियर क्लियर साफ साफ दिख रहा है। जहां ब्रिजमोहन अग्रवाल जैसे कद्दावर नेता जहां आज स्टेट में मंत्री है, उनको, सरोज पांडे को इस तरह से बलि का बकरा बनाया गया है, इसका ऑल ओवर टिकट देखे। और दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां धर्मांतरण के आरोप में जमकर बवाल। रायपुर नाका दुर्ग के पास हुआ हंगामा। धर्मांतरण की खबर लगने पर पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ता। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वहां मौजूद लोगों को घेर लिया। मौके पर जोरदार हंगामा हुआ। मौके पर पुलिस बल
बोले इस मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया गया। देखिए जमकर हंगामे की जो तस्वीर है, धर्मांतरण के आरोप में यहां पर जमकर बवाल हुआ और इस दौरान पुलिस को मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराना पड़ा। दुर्ग का पूरा मामला, जहां जोरदार हंगामा, रायपुर नाका दुर्ग के पास ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो वही रायपुर में ईडी ने कोर्ट में की आरोपियों की पेशी, आरोपियों को कोर्ट लेकर पहुंची ईडी। कोलकाता से सूरज चौखानी की गिरफ्तारी हुई थी, भोपाल से गिरीश तलरेजा को ईडी ने किया था गिरफ्तार। आरोपियों को रायपुर लेकर आई ईडी की टीम। रिमांड के लिए ईडी पहुंची कोर्ट। चौखानी पर महादेव ऐप के पैसे को शेयर मार्केट में लगाने का आरोप है। गिरीश तलरेजा पर सट्टेबाजी की कमाई को बैंक खातों के जरिए रोटेट करने का आरोप लगा। रायपुर महादेव ऐप से जुड़ी बड़ी खबर। और अब बात बिलासपुर से बड़ी खबर की, जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर विवाद हुआ। अवैध कब्जाधारियों ने अतिक्रमण हटाने गए दस्ते पर हमला कर दिया और इस दौरान काफी हंगामे की स्थिति बनती हुई नजर आई। देखिए जहां कब्जाधारियों ने निगम के टीम पर हमला कर दिया, दोनों पक्षों के बीच काफी झड़प हुई, हंगामे के आसार, और पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को शांत कराया गया। वहीं जशपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने गृह निवास बगिया में बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाकर पोलियो मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की जनता के स्वास्थ्य सुविधा के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मितान योजना की शुरुआत भी की। विभिन्न योजनाओं के साथ ही नौनी सुरक्षा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। के लिए बड़ा शोभा का विषय है कि कई नया प्रयोग आज प्रारंभ कर रहे हैं। एक तो स्वास्थ्य मितान कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जिसमें एक मोबाइल नंबर जारी किए हैं और उस नंबर में फ़ोन करने पर, जैसे एम्बुलेंस बुक करना है, आयुष्मान कार्ड बनाने में अगर किसी तरह की दिक्कत है तो उसमें सहयोग मिलेगा, और मरीजों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने में भी सपोर्ट।